अस्सलाम वालेकुम जी, सलमान अफजल यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आज आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ ये विक्टोरिया सिटी के हवाले से है। विक्टोरिया सिटी जो कि शेरावाला ग्रुप का प्रोजेक्ट है, बड़ा ही शानदार करंटली इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो इसकी हैं वो ऑलरेडी सेल आउट हो चुकी हुई हैं, बहुत थोड़ी सी ऑप्शंस जो हैं इसमें बाकी रह गई हैं और एक ऐसी सिचुएशन करेंटली इसकी बन चुकी है कि बहुत जल्द इसके अंदर जो है वो आपको ओन देखने में मिलेगा। जी हाँ, वो लोग जिन्होंने इस पर टाइमली इन्वेस्ट किया है और जो बहुत अच्छे तरीके से इसकी इन्वेस्टमेंट को जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो इस चीज़ को इन्जॉय करेंगे कि बहुत जल्द इस पर ओन स्टार्ट होने वाला है। और जो जब चंद दिनों में इस पर ओन स्टार्ट होगा तो वो लोग जिन्होंने अभी तक इसमें इन्वेस्ट नहीं किया वो इस चीज़ से ज़रूर एक दफ़ा सोचेंगे कि काश उन्होंने इस पर इन्वेस्ट कर लिया होता, क्योंकि करंट मार्केट सिचुएशन जो कि विक्टोरिया सिटी की है, ये ओवरऑल अगर हम मार्केट एनालिसिस करें तो एक ऐसा यूज़ केस है कि करंटली बहुत से बेहतरीन जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इसके अंदर बड़े शानदार तरीके से इन्वेस्ट किया है और वो इसके अंदर फ्यूचर में बहुत बेहतरीन किस्म के जो रिटर्न्स हैं उनको एंजॉय करेंगे। इससे पहले बहुत सी डिफरेंट मार्केट्स के अंदर इस तरह की सिचुएशंस देखी गई हैं, लोगों ने उसको इतना जल्दी इससे पहले इस तरह की बहुत सी डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस देखी गई हैं, जिस तरह लाहौर स्मार्ट सिटी और इसी तरह फिर लिबर्टी लैंड जो कि बहुत रिसेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनके अंदर देखा गया है कि वो लोग जिन्होंने टाइमली इन ऑप्शन के अंदर इन्वेस्ट किया था वो आज इन ऑप्शन से बहुत बेहतरीन रिटर्न्स जो है वो हासिल कर रहे हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी का जिस टाइम सेकंड बुकिंग की क्लोजिंग का टाइम था उस टाइम पर भी लोग इस चीज़ को सोचते थे और ये समझते थे कि अभी सेकंड बुकिंग का क्लोजिंग का टाइम है, जैसे ही थर्ड बुकिंग स्टार्ट होगी इसका ओन जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। बट लोगों ने देखा और हम इस टाइम इस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी का जो ओन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ ही किया है, उसमें वो डिक्रीज़ जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लोग वो अभी तक देखने में नहीं आया और एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा है कि वो डिक्रीज़ देखने में आएगा भी नहीं। इसी तरह लिबर्टी लैंड्स की जो मार्केट सिचुएशन थी, पहले दिन से उसके ऊपर ओन स्टार्ट हुआ और वो ऐसा एक ओन था जो कि करेंटली अभी तक अब उसको बीट करना एक बहुत मुश्किल टास्क है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो मार्केट जो है वो अभी भी ग्रो कर रही है। करेंटली जो एक न्यू मार्केट डेवलप हो रही है, एक न्यू ऑप्शन जो करेंटली लोगों के लिए आई है, जो इन्वेस्टर्स के लिए आई है, वो विक्टोरिया सिटी है जो कि एक बहुत ही शानदार तरीके से करेंटली बायर्स के लिए बहुत सी डिफरेंट चीज़ें लेकर आ रही है और बायर्स के लिए एक ऐसी ऑप्शन लेकर आ रही है कि इसके अंदर बाइंग करने वाले लोग इन फ्यूचर इसमें से बहुत बेहतरीन किस्म के रिटर्न्स जो हैं वो उनको हासिल करेंगे। हम यहाँ पर हमेशा कहते हैं कि छोटी इन्वेस्टमेंट छोटा रिटर्न और बड़ी इन्वेस्टमेंट बड़ा रिटर्न, बट करंट केस के मुताबिक इवन छोटी इन्वेस्टमेंट भी आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स जो है वो ज़रूर देगी। इसके अंदर आपको जो ऑप्शंस मिलती हैं वो 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला कनाल और 2 कनाल की रेजिडेंशियल ऑप्शंस मिलती हैं और इसी तरह इसमें 5 मरला कमर्शियल की ऑप्शंस मिलती हैं। सबसे ज़्यादा इस टाइम जो ऑन डिमांड और सबसे ज़्यादा जो इस टाइम मार्केट ट्रेंड के साथ चीज़ चल रही है वो इसकी 5 मरला कमर्शियल की है। बहुत लिमिटेड ऑप्शंस जो हैं वो अभी भी लोगों के पास हैं, बट बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं और वो लोग जो भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो फ्यूचर में इसमें बहुत बेहतरीन रिटर्न्स जो है वो हासिल करेंगे। हमारे चैनल से आपको वक्तन फ़वक्तन इसके बारे में बताया जा चुका है और आप देख चुके हैं कि लोग वो लोग जिन्होंने इसमें अभी तक इन्वेस्ट किया है वो ऑलरेडी इसमें से अच्छा एक प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहे हैं, बट इन द लॉन्गर रन यही प्रॉफिट आपके लिए मज़ीद इंक्रीज़ होगा, डबल ट्रिपल प्रॉफिट जो है वो आपको इसमें से मिलेगा और वो जो रिटर्न है उसको आप इतना बेहतरीन इंजॉय करेंगे कि आप इन द लॉन्गर रन इस मार्केट के साथ जो है वो प्रॉपरली अटैच हो जाएंगे। इसी तरह की मज़ीद ऑप्शंस भी जो हैं वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचाते रहें। मज़ीद किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, बाइंग या सेलिंग के लिए, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर 0322112554 पर रابطہ कर सकते हैं। इंशाल्लाह सलमान अफजल यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहूँगा। आपका बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।